दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के डेब्यू से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे T20 मैच में बहुत ही चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं, तो आपको मुकाबले के टॉस अपडेट व टीम के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, दूसरे T20 मैच में क्या रोहित शर्मा को खिलाना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सीरीज का आगाज भारत की हार के साथ हुआ था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम आज एक नए मकसद के साथ इस मैच में खेलने के लिए उतरी है। परंतु दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह है कि टीम में दो बड़े बदलाव किए गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार दो डेब्यू कर रहे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से एक साथ ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को डेब्यू करने का मौका दिया गया है। टीम में से शिखर धवन और अक्षय पटेल को बाहर करके इन दोनों खिलाड़ियों की जगह बनाई गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को पता चला उन्हें टीम में सिलेक्ट किया गया है, उनकी आंखों में आंसू थे। जिसके बाद जहां सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या ने गले लगाया तो वहीं ईशान किशन को विराट कोहली और ऋषभ पंत ने। दोनों ही खिलाड़ियों के लिए एक खास लम्हा था T20 टीम में डेब्यू करने का। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ी खुशी में भावुक भी नजर आए थे। हालांकि चौंकाने वाली बात ये रही कि इस मैच में भी रोहित शर्मा को नहीं खिलाया गया। पिछले मैच में भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरीके से डगमगा गया था और टॉप ऑर्डर तो बुरी तरीके से फ्लॉप था, लेकिन उसके बावजूद कप्तान विराट कोहली लगता है कि अपने फैसले पर अटल रहने वाले हैं। अब तीसरे T20 मैच में भी रोहित शर्मा टीम का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको बताते हैं दूसरे T20 की फाइनल प्लेइंग 11 क्या है। आपको बता दें कि टीम में सलामी जोड़ी के मोर्चे को संभालते नजर आएंगे ईशान किशन व केएल राहुल। इसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। इसके अलावा टीम में ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे वॉशिंगटन सुंदर और स्पिनर गेंदबाजी की कमान रहेगी युजवेंद्र चहल के हाथों में, और तेज गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि टीम में रोहित शर्मा को खिलाना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।